एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल जो कि आप छोटे वालों में भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टाग्राम प्रीति तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी फनी रील्स वीडियोज आप लोग को देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो सेकंड चैनल है वहाँ पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आप लोग को मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से छोड़ देना है, जो कि हम लोग फ्लिक्स कट कराते हैं उसको छोड़ के यहीं पर इसको सिक्योर कर देना है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करेंगे बाद में। तो इसको मैं यहाँ पर क्लचर की मदद से सिक्योर कर दे रही हूँ। बाकी बचे हेयर्स को एक हाई पोनीटेल बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं बाकी बच्चे सारे हेयर्स को ऊपर की तरफ लेके जाके एक हाई पोनीटेल बना लूँगी। ओके, हाई पोनीटेल बना के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और एक डोनेट बन लेंगे और इस डोनेट बन को पोनी के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, देन इसको बैक साइड्स में लेके जाएंगे इस तरीके से। बैक साइड में ले जाके इसको सिंपली चोटी बनाएंगे। जब आपकी चोटी डोनेट बन तक चली जाए सॉरी खुल गई थी, दोबारा से बना लेती हूँ मैं। उसके बाद से आपको डोनेट बन के हेयर के थोड़े थोड़े से सेक्शन लेके और इस हेयर के साथ मिक्स करते जाने हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम पतला पतला लेयर लेके मिलाते जाएंगे चोटी के साथ। इस तरीके से बनाना है कि आपका जो डोनेट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। बहुत ही प्यारा लगता है, कॉलेज गर्ल ऑफिस गोइंग गर्ल्स ये बना सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। पतला पतला सा लेयर लेके बनाते जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो और क्लियर दिख रहा हो गाइस। अब जितने हेयर बचे हैं इनका भी थोड़ा थोड़ा लेयर लेके चोटी के साथ गुंथते जाएंगे। जब पूरा गूंथ लेंगे तो क्या करना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखते रहिए। अब जितने बचे हेयर हैं इनको एंड तक पूरा गूंथ लेंगे। बहुत ही प्यारा सा हाई बन बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसको आप लॉन्ग टूर के लिए बना सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है ये हेयर स्टाइल। अब आपको क्या करना है, इस चोटी के नीचे से इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है, देन इस चोटी को खींच लेना है और अच्छे से पूरा कवर कर देना है और इसको इस तरीके से बना के पूरा यू पिन से इसको सेट करेंगे।
तो सबसे पहला यू पिन जहाँ पे आपका हेयर ख़त्म हुआ है वहाँ लगा देंगे, और इसको ऐसे ऐसे फैलाते हुए अच्छे से डोनेट बन को हाइड करते हुए आपको यू पिन से सिक्योर कर देना है। काफ़ी इजी है और बहुत आसानी से आप बना लोगे। जहाँ से भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से यूपिन को लोगे। जैसे ये हमारा है, इसको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करना है, यूपिन लेना है यहाँ पे, चाहे आप इसके अंदर ही यूपिन डाल दो और इसको नीचे की तरफ से ऐसे खींच के लगा दीजिए। तो ये आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। देन पूरा साइड से आपको डोनेट बन को हाइड करते हुए यूपिन लगा देने हैं। तो मुझे इतना यू पिन में कंफर्टेबल लग रहा है और अच्छे से मेरा हेयर स्टाइल जो है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खींचा खींचा सा लग रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा यू पिन इस तरीके से इंसर्ट करूँगी और अंदर की तरफ लगा दूँगी। तो ये है ना इजी सा और स्टाइलिश सा आपका हाई बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब बारी आती है हमारे ये बेबी हेयर्स की। तो इसके लिए क्या करना है, सेटिंग स्प्रे को बालों पर अप्लाई करना है, देन कॉम की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो एलिगेंट लुक दे आपके बालों को। और इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के इस तरीके से स्टाइलिश सा लुक आ जाएगा आपके बालों में। और ये हमारा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, क्यूट सा हाई बन, और बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक बात और, यहाँ से थोड़ा सा मतलब मेरे फेस पे नहीं जचता है, तो मैं इसको खींच के थोड़ा सा वॉल्यूम कर दे रही हूँ बालों में। अगर आप पे फ्लैट लुक अच्छा लगता है तो आप छोड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।